के मैप देखिए, जो पहले हमने टॉपिक किया है के मैप पर, उस समय हमने किए थे टू वेरिएबल्स और थ्री वेरिएबल्स फंक्शन। इसमें हम करेंगे फोर वेरिएबल फंक्शन, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट के फोर वेरिएबल फंक्शन। सम ऑफ प्रोडक्ट भी इसे बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसके बारे में हम इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन जरूर करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होता है। अब हम फोर वेरिएबल फंक्शन करेंगे। देखिए, फोर वेरिएबल फंक्शन मतलब फोर वेरिएबल्स होंगे, ए बी सी डी, फोर वेरिएबल्स। और इसमें कितने स्क्वायर बॉक्स बनेंगे ये कैसे डिसाइड होगा? टू रेज टू पावर फोर से। टू रेज टू पावर फोर मीन्स 16 स्क्वायर बॉक्स। इसमें टोटल 16 स्क्वायर बॉक्स बनेंगे। देखिए, ये फोर फोर एट, एट एट 16। कॉर्नर पे एक डायगोनल लाइन वैसे ही अप्लाई करेंगे। ये डायगोनल लाइन रिप्रेजेंट करेगी वेरिएबल्स को। फोर वेरिएबल्स हैं तो टू वेरिएबल्स इधर आएंगे, टू वेरिएबल्स इधर आएंगे, यानी ए बी इधर आएंगे, सी डी इधर आएंगे। इस तरह से हर बॉक्स को हम डिनोट करते हैं नंबर्स से। इसके नंबर्स कैसे होंगे? 0 1 2 3, 4 4 5 6 7। 6 यहाँ पे आएगा, 7 इधर आएगा। इसमें भी ध्यान रखना, 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा। यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, कभी यहाँ पे अगर 2 लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा सारा टेबल हमारा। नेक्स्ट है 8 9 10 11। देखिए, 6 7 के बाद 8 9 10 11 इस बॉक्स में नहीं आएगा, इसमें आएगा, इन स्क्वेयर बॉक्सेस में आएगा। 8 9 10 11, फिर आएगा 12 13 14 15, इस तरह से। अब ये तो हमें नंबर, अब बिट का जो डिफरेंस है, अब ए बी और सी डी को हम कितने टाइम चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले सी डी का देखते हैं। सी डी को हम कितने टाइम लिख सकते हैं? सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, 0 0 से डिनोट करेंगे। अब जब हम इस बॉक्स से इस बॉक्स पे जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि इस कॉल, ये जो कॉलम है, इस कॉलम से इस कॉलम पे जाएंगे तो एक बिट का ही डिफरेंस होना चाहिए। ये पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ कि सिर्फ एक बिट का डिफरेंस पे चलना है। 2 बिट का डिफरेंस होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 बिट का डिफरेंस, सी कॉम्प्लीमेंट डी, यानी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट था, यानी 0 0 था, 0 1, सी डी 1 0। देखिए, 1 1 बिट का डिफरेंस आ गया, 0 1 था तो 1 0 हो गया, यहाँ 0 की जगह 1 आ गया, और ये 1 ऐसे ही रहा, 1 बिट का डिफरेंस आ गया है। नेक्स्ट है सी डी कॉम्प्लीमेंट, 1 0, 1 बिट का डिफरेंस आ गया। सेम ए बी को भी इस तरह लिखेंगे, 0 0 ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, 0 1 ए कॉम्प्लीमेंट बी, 1 1 ए बी, 1 0 ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा हो गया टेबल जो हो कि हमने कर लिया है। अब इससे रिलेटेड हम देखेंगे एग्जाम्पल फंक्शन है जो कि ए बी सी डी, फोर वेरिएबल्स हैं। ये साइन शो करता है समीशन का, एम हमारे मिन टर्म्स को शो करता है, 0 1 2 6 8 9 10। अब इसको लेके हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और एक बुलियन फंक्शन शो करना है। हमने ये जो बॉक्सेस लिए थे इनको कॉर्नर्स पे ले लिया है ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले 0 0 स्क्वेयर में, 0, ये वाला 0 का बॉक्स है, मान लो ये 0 का रूम है, तो 0 के रूम में क्या आएगा? 1। अब आ जाए ये, हम ये नंबर्स हैं, ये हम सोच लेते हैं कि रूम्स हैं, रूम्स के नंबर हैं, तो 1। अब जाएंगे 1 के रूम पे, 1 के रूम में क्या होगा? 1 आ जाएगा। अब जाएंगे 2 के रूम में, 2 के रूम में भी क्या आ जाएगा? स्क्वेयर में 1 आ जाएगा। 6 के बॉक्स में, 6 में आ जाएगा 1, जो जिसमें नहीं है, देखिए 3 में नहीं है तो ये एम्प्टी रहेगा, यानी कि जिन जिन पे कोरियर, मान लो जिस पे कोरियर आता है उसमें 1 फिल करते जाओ, जिस पे कोरियर नहीं आया उसको एम्प्टी रहने दो। मीन्स 0 के पास कोरियर आया, 1 के पास कोरियर है, 2 के पास है, 6 के पास है, 8 के पास है, 8 के पास, 9 के पास आया है, 9 के पास, 9 के रूम में कोरियर जाएगा, 10 के पास आया है तो 10 पे जाएगा। अब हमने ये फिल कर दिए, अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग, यानी कि अब जिन 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 के पास कोरियर आना था उनके रूम में कोरियर पहुंच गए। अब देखेंगे कि मैच कितने हो रहे हैं, अब देखेंगे के मैप में मैचिंग कितनी हो रही है, पेयरिंग कितनी हो रही है। मैक्सिमम जो पेयरिंग होगी वो 8 बिट्स की हो सकती है, यानी कि 8 बिट मीन्स टू से कि 8 1 अगर एक साथ इकट्ठे हों
लेकिन एट की यहाँ पे कोई पेयरिंग ही नहीं हो रही। अब देखेंगे कि फोर की पेयरिंग, सबसे पहले एट की देखते हैं, फिर देखते हैं फोर की पेयरिंग, फोर वंस की पेयरिंग हो रही। देखिए फोर वंस की पेयरिंग हो रही है, देखिए एक तो ये वाली पेयरिंग, साइड बाय साइड पेयरिंग बोलते हैं ना इसे, 1 2 3 और 4 1 4, यानी कि फोर वंस की पेयरिंग हो रही है। अब देखेंगे कॉमन क्या है इसमें, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट, देखिए दोनों में बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है और इन दोनों में सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो एफ इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अब एक पेयरिंग होगी फोर, अब नेक्स्ट पेयरिंग देखो कि कोई और फोर की पेयरिंग हो सकती है। देखिए यहाँ पे एक और फोर की पेयरिंग हो सकती है, एक दो तीन चार, साइड पेयरिंग कॉर्नर पेयरिंग, ये देखिए ये फोर वंस की पेयरिंग हो सकती है, साइड बाय साइड पेयरिंग कर सकते हैं, कॉर्नर की पेयरिंग कर सकते हैं। तो अब देखो कि कॉमन क्या है इसमें, इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि डी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब एक वन लेफ्ट है बचा हुआ है, इसकी पेयरिंग देखिए, इसकी पेयरिंग फोर में नहीं हो सकती, तो इसकी पेयरिंग हो सकती है, अब फोर से, फोर के बाद हम टू में देखते हैं कि टू की पेयरिंग हो सकती है इस तरह से, ये होगी एक और पेयरिंग। अब देखो कॉमन क्या है इन दोनों में, सी डी कॉम्प्लीमेंट, दोनों कॉमन, सी डी कॉम्प्लीमेंट इसके लिए, कॉलम के लिए, रो के लिए देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, इस रो में से और इस रो में से, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, या सी डी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया है हमारा बुलियन एक्सप्रेशन जो कि हमने के मैप से सॉल्व किया है। अब इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ये वाला, 0 1 2 3 5 7 8 9 11 14, सेम वही कंडीशन करेंगे। मान लो ये रूम नंबर्स हैं, सब में कोरियर भेजना है, जिन जिन में रूम नंबर्स हैं उनमें वन पुट करेंगे, 0 में 1 पुट करेंगे, आगे 1 में 1 पुट करेंगे, 2 में 3 में 1 में 1 पुट करेंगे, 2 में करेंगे, 3 में, फिर 5 में, 7 में, 8 9 11 14, सब में कोरियर चला गया और जो रेस्ट है उनको एम्प्टी रहने दो, उनके लिए कोई को कॉरियर ही नहीं था। अब करेंगे पेयरिंग, सबसे पहले देखते हैं कि एट की पेयरिंग हो रही है नहीं, देखिए एट की यहाँ कोई पेयरिंग नहीं हो रही, एट की पेयरिंग तब होती जब यहाँ पे वन होता, अगर यहाँ वन होता ना तो ये वाली साइड बाय ये वाले 4 1 और ये वाले 1 मिलके एट की पेयरिंग कर लेते, लेकिन इस टाइम में एट की कोई पेयरिंग नहीं। अब देखेंगे फोर की पेयरिंग, देखिए फोर की एक तो ये वाली पेयरिंग हो रही है, तो अब देखेंगे इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में सी कॉम्प्लीमेंट और इसमें बी कॉम्प्लीमेंट, एफ इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट पेयरिंग देखिए, नेक्स्ट पेयरिंग ये वाली हो रही है फोर की, फोर की देखनी है पहले, ये दोनों, इन दोनों में कॉमन है डी और इन दोनों में कॉमन है बी कॉम्प्लीमेंट, यानी डी बी कॉम्प्लीमेंट। अब कोई और पेयरिंग देखो जो फोर की हो, देखिए यहाँ पे एक फोर की पेयरिंग ये हो रही है, फोर की पेयरिंग ये है, फोर की पेयरिंग। अब इनमें देखो इनमें, इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है प्लस डी ए कॉम्प्लीमेंट। अब कहीं और फोर की पेयरिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे एक और फोर की पेयरिंग हो रही है इस वन के साथ, ये फोर वन मिलके यहाँ पे फोर की पेयरिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक और फोर की पेयरिंग हो रही है। अब इन चारों में तो कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट चारों के लिए कॉमन है, तो प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब रह गया ये वन, डायगनल पेयरिंग हो नहीं सकती, ना ये पेयरिंग हो सकती है ना ये पेयरिंग हो सकती है, तो ये वन रहेगा सिंगल और इसके लिए कॉमन क्या रहेगा, ए बी और सी डी कॉम्प्लीमेंट, चारों वेरिएबल्स जो कि इसे रिलेटेड हैं, इससे और इससे, यानी कि इस वाली, इसमें जो रो है जो कॉलम है उनसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे आएगा सी डी कॉम्प्लीमेंट ए बी, ये हमारे एक्सप्रेशन आ गया है, हमने यही इसमें शो करना था, जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही उसको सिंगल शो करते हैं। इसे रिलेटेड हम एक दो एग्जांपल और जरूर देखेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक्स में, और इसकी जो पोस्ट फॉर्म है वो जरूर करेंगे, ये जो फॉर्म है ये सॉप फॉर्म है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोड, ये देखिए ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है, इन सब का सम, सम ऑफ प्रोडक्ट,
और हम पोस्ट फॉर्म में देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम, जो कि ऑपोजिट होगा। ये है हमारे के मैप के फोर वेरिएबल फंक्शंस। हमारे जो ये टॉपिक का मोटिव यही था कि ताकि हम आपको के मैप समझा सकें। ये सॉफ्ट फॉर्म है, पोस्ट फॉर्म इसके हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।